अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब? दिस इज सुमेरा, यू आर वॉचिंग कुकनोलॉजी। आज मैं आपके लिए मुगलाई मटन करी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ईद की दावत हो या कोई और तकरीब, या हो फ्रेंड्स एंड फैमिली गेट टुगेदर, ये मुगलाई मटन करी या मटन ग्रेवी बनाएं, इंशाल्लाह सारे बहुत इंजॉय करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। 750 ग्राम मटन में मैं ऐड करूंगी 3 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चाय के चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच नमक, आधी चाय के चम्मच गरम मसाला, 2 चाय के चम्मच रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रेस्ट देना है मटन को, कम से कम 30 मिनट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रेस्ट दे सकते हैं। मिक्सर में थोड़े से काजू ऐड किए, 6-7 सब्ज इलायचियाँ और 6-7 जाएंगे लौंग, थोड़ी सी जायफल जावित्री और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है। ये हम बाद में ऐड करेंगे। इसी तरीके से 3 मीडियम प्याज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको भी मिक्सर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका भी पेस्ट करके रेडी कर लूँगी। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड किया, अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब ऑयल में ऐड किए 2 तेज़पत्ते और थोड़ी सी दालचीनी, और जो हमारा मैरिनेटेड मटन है वो सारा ऐड कर दिया। अब मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट तक भूनना है। तीन बड़ी साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया मैंने, अब मैं वो ऐड करूँगी। 5-6 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है। जी 5-6 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू का पेस्ट जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, और प्याज़ों का भी पेस्ट जाएगा इसमें। 5-6 मिनट दोबारा भून के अच्छा सा मसाला रेडी करना है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार ज़बरदस्त। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप पानी, अभी मटन गला नहीं है, मटन को अच्छे से गलाना है। कवर करके लो फ्लेम पे मैं तकरीबन 40-50 मिनट के लिए कुक करूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गला लें। माशाल्लाह देखें बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त मुगलाई मटन करी रेडी है। मेरे हिसाब से तो ये ग्रेवी काफ़ी है, आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ऊपर से सब्ज़ धनिए से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। रोटी, नान, पराठा किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।